हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एलसीआर श्रेणी परपत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम एलसीआर श्रेणी परपत्र में एक तो इस परपत्र की प्रतिबाधा के बारे में पढ़ेंगे और इस परपत्र में धारा और वोल्टेज के बीच जो कितना कालांतर होता है उसको हम निकालेंगे। यही दो चीजें बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है कि धारा और वोल्टेज के बीच में कितना कालांतर है और एलसीआर श्रेणी परपत्र की बाधा कितनी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो एलसीआर श्रेणी परपथ पढ़ने से पहले हमें जो इसके पिछली वीडियो मैंने जो बनाई है आप उनको जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि एक परपथ में प्रत्यावर्ती परपथ में प्रतिरोध जुड़ा होता है या प्रेरक कुंडली एल या संधारित्र जुड़ा होता है तो धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आपने वो चीजें आपको आती हैं तो ये टॉपिक आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। और आपने अगर एल या आर या सी सर्किट पर एसी सप्लाई के टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें पहले पढ़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीआर श्रेणी परपथ में एक संधारित्र, एक प्रतिरोध और एक प्रेरक कुंडली, तीनों को लेकर उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक प्रतिरोध, मतलब एक तार है और जिसका जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है, एक प्रेरक कुंडली एल और एक संधारित्र जिसकी धारिता सी है, तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये तो हो गया एलसीआर श्रेणी परपथ, एल सी और आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और हमें ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देने हैं। तो मैं इनके बीच में इनका संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से कर देता हूं, जो मैंने लगाए हैं वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही मैं इस संयोजन को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देता हूं, इस परपथ में आई धारा प्रवाहित होने लगती है। और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तीनों में बहने वाली धारा समान होगी। मान लीजिए जो धारा बह रही है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, तो हम लिख सकते हैं कि एलसीआर परपथ में प्रवाहित धारा, तो एलसीआर परपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसका ताक्षणिक मान होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको मैंने समीकरण एक बना लिया। माना इसमें I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी धारा प्रवाहित हो रही है और जैसे ही प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध R के सिरों पर VR, इसी प्रकार से प्रेरक कुंडली L के सिरों पर VL और संधारित्र जिसकी धारिता C है उसके सिरों पर मान लीजिए विभवांतर VC उत्पन्न हो जाता है, जो कि V बराबर VR प्लस VL प्लस VC के बराबर होगा किरचॉफ के दूसरे नियम से। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि प्रतिरोध के स्रोत पर कितना विभवांतर उत्पन्न होता है। तो मैं लिखता हूं यहां पर प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा में और विभवांतर में जीरो कालांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसकी समीकरण लाएंगे कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा V नॉट साइन ओमेगा टी। प्रतिरोध जो होता है वो धारा और वोल्टेज के बीच में जीरो कालांतर उत्पन्न करता है, जो कि हम पहले प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोध वाले सर्किट में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं R और ये किसका शिखर मान है, प्रतिरोध का। तो VR बराबर V नॉट R साइन ओमेगा टी, देखो इसका कलाकार ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी है, तो कालांतर हो गया जीरो। इसी प्रकार प्रेरक एल के सिरों पर, प्रेरक
कुंडली है प्रेरक एल के सिरों पर उत्पन्न, प्रेरक कुंडली जो एल है प्रेरक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो हमने जब प्रेरक प्रपथ पढ़ा था तो वहां हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि प्रेरक जो होता है वो धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे कर देता है या वोल्टेज को धारा से 90 डिग्री आगे कर देता है। तो उस हिसाब से हम इसका समीकरण लिखेंगे, वी एल बराबर वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई वाई टू। तो देखो धारा से ये 90 डिग्री आगे है या इससे धारा 90 डिग्री पीछे, ये निष्कर्ष हम एल वाले परपथ में निकाल चुके हैं। इसी प्रकार जो संधारित्र है जिसकी धारिता सी है, संधारित्र जिसकी धारिता सी है, हम सी मान लेते हैं नाम उसका, संधारित्र सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। जो संधारित्र होता है वो धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री आगे कर देता है, या हम कह सकते हैं कि जो धारा होती है, जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री पीछे होता है। तो संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये जो समीकरण हमने बनाई है, ये हमने जो पहले प्रतिरोध और प्रेरक और संधारित्र के जो अलग अलग प्रपथ पढ़े थे वहां पे जो निष्कर्ष निकले थे कि प्रतिरोध क्या करता है, वोल्टेज को धारा की दिशा में रखता है, एल वोल्टेज को धारा से 90 डिग्री आगे और सी वोल्टेज को धारा से 90 डिग्री पीछे कर देता है, उस हिसाब से हमने इनके समीकरण बनाए। अब हम इसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर, जो कुल वोल्टेज और कुल धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके बीच कालांतर तथा इस परपथ की प्रतिबाधा को निकालने जा रहे हैं, और इसके लिए हम विधि का उपयोग करेंगे फेजर विधि। इसके लिए हम फेजर विधि का उपयोग करेंगे, और दूसरी विधि इसकी विश्लेषणात्मक विधि होती है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक सदिश विधि या फेजर विधि के द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो इसके लिए हम एक सदिश आरेख बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए धारा है जिसका शिखर मान आई नॉट है और इसने ओमेगा टी कोण बनाया। तो मान लीजिए ये मैंने धारा का सदिश बना लिया और ये धारा का शिखर मान है आई नॉट और ये कोण मैंने ओमेगा टी मान लिया इस दिशा में। ठीक है, तो प्रतिरोध आर के सिरों पर जो विभवांतर वी आर या वी नॉट आर कुछ भी ले सकते हैं, वो भी धारा की दिशा में ही होगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में होता है, और जो एल है एल के सिरों पर जो विभवांतर है वी एल, वो धारा से, धारा का कोण कितना है ओमेगा टी, इसका है ओमेगा टी प्लस 90, मतलब धारा से 90 डिग्री आगे। तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री आगे होता है। तो धारा से 90 डिग्री हमने आगे बना लिया वी नॉट एल। ठीक है, और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर धारा से माइनस पाई बाई टू, धारा से पाई बाई टू पीछे, पाई बाई टू पीछे कोण। तो देखो तो इस हिसाब से हमने सकना है धारा की दिशा आई नॉट है, इसी दिशा में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा और एल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री आगे और सी के सिरों पर विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे। देखो इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां क्या होता है कि ये सदिश विधि के द्वारा हम इन वोल्टेजों को जोड़ते हैं। अब इन दोनों वोल्टेजों को एक बार बराबर लेना है, एक बार इस वोल्टेज को, हो सकता है ये वोल्टेज ज्यादा हो ये कम हो, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ये वोल्टेज ज्यादा हो ये कम हो, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों वोल्टेज बराबर हो। तो ये जो प्रश्न अपने बोर्ड में आता है उसमें कंडीशन देते हैं केस फर्स्ट कि बी नॉट एल इज ग्रेटर देन बी नॉट सी, आपको इस बी नॉट एल का मान बी नॉट सी से ज्यादा लेना है। तो हमने इस बी नॉट एल का मान ज्यादा ले लिया और बी नॉट सी का मान हमने कम ले लिया। तो ये हमने इस कंडीशन, ये कंडीशन हमें मिलेगी कि बी नॉट एल ग्रेटर देन बी नॉट सी। तो अगर हम इन दोनों को सदिश विधि के द्वारा हल करें तो मान लीजिए ये बी नॉट एल का मान 5 है और इसका मान 2 है, तो हमें ऊपर की तरफ 3 मान मिलेगा और ये सदिश बचेगा और इसका मान होगा बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी। तो ये
इतना भाग इससे कैंसिल हो जाता है और इतना शेष बचता है जो कि बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी होगा। अब हमें बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी को बी नॉट आर के साथ जोड़ना है, और कौन सी विधि द्वारा? सदिश की विधि के द्वारा। तो अगर अपन चाहें तो इन पाई बाई टू कोण को हटा सकते हैं। अब एक सदिश तो मेरे पास बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी है कि इसकी दिशा ये है, और एक सदिश मेरे पास ये बी नॉट आर है, मुझे इसे सदिश विधि के द्वारा हल करना है। तो मैं अब एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता हूं, और इसका जो विकर्ण होता है ये वो इनके योग को बताता है बी नॉट। ये हमने समांतर चतुर्भुज के सदिश के जो नियम होते हैं वहां पर समांतर चतुर्भुज का नियम होता है उसमें पढ़ा है। और ये कुल वोल्टेज धारा से कितना कोण बना रहा है? फाई, ठीक है। और ये पॉइंट ओ है, ये पी है, और ये मान लीजिए क्यू है। अगर ये भुजा बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी है तो इसके सामने वाली भुजा भी बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी होगी। अब हमें क्या करना है, हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें निकालने जा रहा हूं एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा, एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, जेड। तो सबसे पहले इसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है, एक बार इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री कोण है, इसके सामने भुजा कर्ण है, और ये थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब है, और ये आधार है। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी का स्क्वायर। तो हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई, और इससे आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी नॉट बराबर अंडर रूट बी नॉट आर स्क्वायर प्लस बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी का होल स्क्वायर। बी बराबर होता है आई आर, मैंने शुरू में बताया आपको इस चीज को किस तरीके से उपयोग करना है कि बी बराबर आई आर की जगह हमें लिखना है बाधा, क्योंकि प्रतिरोध में तो बाधा आर होती है, लेकिन जहां जो एल होता है ये प्रेरकीय प्रतिघात एक्स एल की बाधा उत्पन्न करता है, और संधारित्र जो सी है वो धारितीय प्रतिघात एक्स सी की बाधा उत्पन्न करता है। तो हम इसे लिखेंगे बी नॉट बराबर अंडर रूट बी बराबर आई आर, आई तीनों धारा समान बह रही है, मान लो शिखर मान इसका आई नॉट है, तो आई आर इसकी बाधा होती है आर, इसका हमने होल स्क्वायर प्लस एल की बाधा क्या होगी बी बराबर आई आर, इसमें धारा बह रही है आई नॉट शिखर धारा, और इसकी जो बाधा होती है एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी। तो बी बराबर आई इंटू बाधा से हमने ये सूत्र लिख लिया। अब इसमें से आई नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो बी नॉट बराबर आई नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको बटे में ले जाएंगे तो बी नॉट बटे आई नॉट बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो बी बराबर आई इंटू बाधा, तो बी बटे आई बराबर किसके होती है बाधा की, तो देखो बी बटे आई ये क्या हो गया बाधा, ये चीज बाधा है। तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये हमारे एलसीआर परपथ की बाधा आ गई। इसके बाद दूसरी चीज प्रश्न में पूछी जाती है कलांतर, कलांतर, ठीक है, ये कलांतर पूछा जाता है। तो कलांतर के लिए हम इस त्रिभुज में जाकर टेन थीटा निकालते हैं। तो त्रिभुज ओ पी क्यू से टेन थीटा बराबर टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, मतलब बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी बटे बी नॉट आर, और बी का मान होता है बी बराबर आई आर, मतलब आई इंटू बाधा, एल में बाधा होती है एक्स एल की, और बी बराबर आई आर संधारित्र में बाधा होती है एक्स सी, तो बी बराबर आई आर तार में होती है प्रतिरोध की। अब हम इसमें से ऊपर आई नॉट कॉमन लेके इसको काट देंगे, तो आई नॉट एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आई नॉट इंटू आर,
एलसीआर पर्पत की जो बाधा सॉरी जो कलांतर आता है टेन फाई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टेन पाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। तो ये हमने देखा कि एलसीआर पर्पत की जो बाधा होती है, एक तो हमने अपने डेरिवेशन ये निकाला है और दूसरी चीज हमने कलांतर निकाला। तो आर बार एक बाधा आई है एलसीआर पर्पत की, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और जो कलांतर आया वो आया टेन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। इस प्रकार हम सदिश विधि के द्वारा इन दोनों को निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि एक तो हमारा जो सूत्र आया प्रतिबाधा का वो है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और जो कलांतर है टेन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। अगर कोई हमसे प्रतिबाधा आरेख अगर पूछ ले तो बिल्कुल किस तरीके से बनाना है, देखो प्रतिबाधा आरेख, प्रतिबाधा आरेख देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये भुजा त्रिभुज की हमें लंब बनानी है और ये आधार बनानी है। तो मैं एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा हूं, देखो ये भुजा प्रतिरोध आर की है और ये भुजा जो है वो एक्स एल माइनस एक्स सी की है। और अगर हमने बिल्कुल अभी की तरह त्रिभुज बनाया सदिश विधि द्वारा, तो देखो बिल्कुल इस तरीके से बनाकर, और ये इसका विकर्ण हो गया और ये कोण हो गया फाई। तो इसके सामने की भुजा ये भी एक्स एल माइनस एक्स सी होगी, देखो लंब बटे आधार थीटा के सामने भुजा लंब एक्स एल माइनस एक्स सी है जहां पर, और आधार कोण है आर। तो जो कर्ण है वो क्या होगा, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक तरीके से प्रतिबाधा आरेख हो गया। अब हम इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन को पढ़ेंगे। तो दूसरी कंडीशन में केस सेकंड में हम क्या देखते हैं कि माना जो बी नॉट एल का मान है वो बी नॉट सी से कम है, या एक्स एल का मान एक्स सी से कम है। अगर बी नॉट एल कम है तो एक्स एल भी कम होगा, क्योंकि बी बराबर होता है आई इंटू एक्स एल और बी सी बराबर होता है आई इंटू एक्स सी। बी आर एल और सी तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े तो धारा का मान तो समान होगा। तो अगर एक्स एल का मान कम होगा तो बी एल का मान भी कम होगा, और अगर एक्स सी का मान कम है तो बी सी का मान भी कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर बी सी कम है तो एक्स सी भी कम होगा, और बी एल कम है तो एक्स एल भी कम होगा। तो चलो बिल्कुल अभी की तरह जो हमने किया था बिल्कुल वो ही काम करना है, सिर्फ जो त्रिभुज ऊपर बना था अब वो नीचे बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। बी नॉट एल लेस देन बी नॉट सी। तो देखो सबसे पहले हमें धारा की दिशा लेनी है। मान लीजिए धारा की दिशा ये है आई नॉट, और प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो धारा के साथ जीरो कला कोण बनाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो धारा की दिशा में ही होता है। और एल के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री आगे, मतलब इधर साइड आगे होता है इधर साइड पीछे होता है। तो बी नॉट एल एल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे, और सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 वो सॉरी आगे, और सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे होता है। और हमने कंडीशन लगाया बी नॉट एल का मान कम और बी नॉट सी का मान ज्यादा, तो इतना भाग इसके इतने भाग को कैंसिल कर देगा और ये भाग नीचे की ओर शेष बचेगा जो कि हमने सदिश विधि द्वारा हल किया है। तो ये बचेगा बी नॉट सी माइनस बी नॉट एल। अब हमें इस बी नॉट सी माइनस बी नॉट एल को इस बी नॉट आर के साथ जोड़ना है और इनका योग करना है सदिश विधि के द्वारा। तो सदिश विधि में हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, तो उसका जो विकर्ण होता है वो इनके योग को बताता है, और इनका योग आ गया बी नॉट। तो तीनों वोल्टेजों का योग बी नॉट है जो कि धारा से फाई कलांतर पीछे है।
ठीक है। अब हम इस पर्पत की बाधा और कलांतर निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ये वाला पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं, प्रतिबाधा, एलसीआर पर्पत की इस कंडीशन में प्रतिबाधा निकालेंगे। त्रिभुज ओ पी क्यू में जाकर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो करण का स्क्वायर, ये करण है थीटा है, थीटा के सामने भुजा लंब, ये भी कितनी होगी, डी नॉट सी माइनस डी नॉट एल, जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये है, और ये उसका आधार और ये करण, तो करण का स्क्वायर बी नॉट आर, बी नॉट स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर लिख लो या लंब का कोई दिक्कत नहीं है, पहले बी नॉट आर स्क्वायर प्लस बी नॉट सी माइनस बी नॉट एल का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है बी नॉट बराबर अंडर रूट बी नॉट आर स्क्वायर प्लस बी नॉट सी माइनस बी नॉट एल का होल स्क्वायर। अब इसके मान रखते हैं बी बराबर आई आर, बी बराबर आई इंटू बाधा, ठीक है, जिसके सिरों पर जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हमें लिखना है बी बराबर आई आर, तो आई धारा वेरिएबल डिस्कस कर माना आई नॉट, और इस प्रतिरोध में जो बाधा होती है वो होती है आर, प्लस बी बराबर आई आर धारा वेरी आई नॉट, और सी संधारित्र में जो बाधा होती है वो होती है एच सी, और बी बराबर आई आर प्रेरक में जो बाधा होती है वो होती है एक्स एल। अब हम इसमें से आई नॉट को कॉमन ले लेते हैं बाहर, बी नॉट बराबर आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, और आई नॉट को बट्टे में ले जाएंगे तो बी नॉट बटे आई नॉट बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, और बी नॉट बटे आई नॉट यही होती है बाधा, तो जेड बराबर आर स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अगर हम चाहें तो एक्स सी की जगह एक बटे सी ओमेगा और एक्स एल की जगह एल ओमेगा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें इस कंडीशन में कलांतर निकालना है, एल सी आर पर्पत में कितना कलांतर होता है, ठीक है। तो कलांतर के लिए फिर से हम इसी त्रिभुज जाएंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू से, और इसमें लगाएंगे टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, ये लंब है और ये भुजा आधार है, तो लंब है बी नॉट सी माइनस बी नॉट एल बटे आधार है इसका बी नॉट आर। अब इसके मान रखेंगे तो टेन फाई बराबर बी बराबर आई आर आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल बटे आई नॉट आर, और अब इसको आई नॉट को कॉमन लेके इसको काट देंगे तो I नॉट कोष्ठक बचा एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आई नॉट इंटू आर, और I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो tan phi बराबर बचा एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आर। तो ये इस कंडीशन में बाधा और कलांतर है। अगर हमें अब इसका प्रतिबाधा आरेख बनाना है, प्रतिबाधा आरेख बनाना है, तो यहाँ जब V के मान लिख रहे हैं वहां बस इनके प्रतिरोध को लिख दो, जैसे कि इस दिशा में विभवांतर R है, R का विभवांतर है, तो इसमें प्रतिरोध का या प्रतिरोधक का प्रतिरोध ले लेंगे R। इस दिशा में L के सिरों पर विभवांतर है, तो इस दिशा में L के सिरों की बाधा ले लेंगे। इस दिशा में C के सिरों पर विभवांतर है, तो इस दिशा में हम C के सिरों की बाधा ले लेंगे। ये बचा बी नॉट सी माइनस बी नॉट एल, तो ये ऊपर कम है ये ज्यादा है, तो ये बचेगा एक्स सी माइनस एक्स एल, और फिर हम इसका समांतर चतुर्भुज बनाकर इसका विकर्ण खींचेंगे तो इसकी बाधा को बताएगा, ये हो गया फाई। तो ये अगर जो चित्र बना है इससे देखो दोनों चीज सही है, टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, ये वजह क्या है आधार, तो देखो ये बता रहा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और अगर हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगा तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, जो कि इस बाधा को बता रहा है। तो ये इसकी दोनों कंडीशन हो चुकी है, और तीसरी कंडीशन होती है वो होती है अनुनाद की कंडीशन। पहली कंडीशन हमने माना कि बी नॉट एल का मान बी नॉट सी से कैसा है ज्यादा है, दूसरी कंडीशन ने माना कि बी नॉट सी का मान बी नॉट एल से ज्यादा है, और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों के मान बराबर हो, और यही अनुनाद की स्थिति कहलाती है केस थर्ड,
केस थर्ड होता है बी नॉट एल बराबर बी नॉट सी या एक्स एल बराबर एक्स सी। एक्स एल और एक्स सी के मान बराबर, क्योंकि धारा के मान तो पहले से ही बराबर है, बी बराबर आई इंटू बाधा, इनमें तो तीनों में धारा समान बह रही है, अगर बाधा भी समान हो जाए तो वोल्टेज भी इनका समान हो जाएगा। तो जब बी नॉट एल बराबर बी नॉट सी हो जाता है तो इस कंडीशन में एल सी आर परपथ अनुनाद की स्थिति में आ जाता है। यही एल सी आर श्रेणी परपथ की अनुनाद की स्थिति कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब प्रेरकीय प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो एलसीआर परपथ की यह अवस्था अनुनाद कहलाती है। इस स्थिति में जो आवृत्ति होती है उसे अनुनादी आवृत्ति कहती है। तो अब हम एलसीआर श्रेणी परपथ में अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाता है, प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है, और एक्स एल का मान होता है एल ओमेगा और एक्स सी का मान होता है एक बटे सी ओमेगा। अब हम ओमेगा को इधर ले जाते हैं और सी को इधर ले जाते हैं, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर एक बटे एल सी, तो ओमेगा बराबर एक बटे अंडर रूट एल सी। ये एल सी आर श्रेणी परपथ की कोणीय आवृत्ति है। अगर हमें आवृत्ति चाहिए तो ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर 1 बटे अंडर रूट एल सी, तो एफ बराबर हो जाता है 1 बटे 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये होती है एल सी आर श्रेणी परपथ की अनुनादी आवृत्ति। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल सी आर श्रेणी परपथ की जो बाधा होती है वो कितनी होती है। तो हम जानते हैं एल सी आर श्रेणी परपथ की बाधा होती है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या तो अपन एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन अनुनाद की स्थिति में दोनों बराबर हो जाते हैं तो जेड बराबर आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का मान जीरो, तो जेड बराबर आर। तो जो परपथ की जो बाधा है केवल प्रतिरोध के बराबर रह जाती है, जो कि बहुत कम हो जाती है। हम कह सकते हैं कि एल सी आर श्रेणी परपथ की अनुनाद की स्थिति में जो परपत होता है वो केवल प्रतिरोध की तरह व्यवहार करने लगता है, वही आंसर अब आने लगेंगे जो कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त परपत में थे। तो अगर बाधा का मान न्यूनतम हो जाता है तो इस स्थिति में एल सी आर परपत में जो धारा बहती है उसका मान अधिकतम हो जाता है। तो बी बराबर आई आर, बी बराबर आई इंटू बाधा, तो आई बराबर बी बटे बाधा। अगर मैं यहाँ शिखर मान रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी शिखर मान मिलेगा, और अगर बाधा का मान न्यूनतम होता है तो धारा का मान अधिकतम होता है। आई नॉट बराबर बी नॉट बटे आर। तो हम कह सकते हैं कि एल सी आर श्रेणी परपथ में धारा का मान जब अनुनाद की अवस्था होती है तो धारा का मान सबसे ज्यादा होता है और उस परपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आता है कालांतर, कि एल सी आर श्रेणी परपथ में कितना कालांतर होता है वोल्टेज और धारा के बीच में। तो टेन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, और एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर है तो जीरो बटे आर बराबर जीरो, तो टेन फाई बराबर जीरो। तो टेन कितने डिग्री का मान जीरो होता है, तो होता है फाई बराबर जीरो, मतलब इस स्थिति में कुल वोल्टेज और कुल धारा के बीच में जीरो कालांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये अनुनाद की कंडीशन कहलाती है। तो इस प्रकार हम एल सी आर श्रेणी परपथ के धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर निकालते हैं। या तो वो बोल देता है कि बी नॉट एल ग्रेटर देन बी नॉट सी में निकालो, या बी नॉट एल लेस देन बी नॉट सी में निकालो, या वो कुछ ना बोले तो तीनों में ही निकालना पड़ेगा। तो आज हमने देखा कि एल सी आर श्रेणी परपथ की अनुनाद की स्थिति भी क्या होती है। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट।